हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जगत जननी माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिष्या बहना थी, एक शिष्या बहना थी। बेचारी भगवान का अनन्य भक्ति थी, भगवान की प्रिय भक्ति थी। भगवान के बिना पूजा किए हुए, बिना जाप किए हुए, बिना कथा सुने हुए भोजन नहीं करती थी। उसे लगता था कि महादेव जो है मेरे पिता हैं और माता पार्वती मेरे माता हैं, और जो करेंगे वही करेंगे, कुछ भी उन्हें होता तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के और कहते, हे भगवान, मैं खेत पे जा रहा हूँ, जरा घर मेरा देखते रहिएगा। हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस काम में जा रहा हूँ, घर में देखते रहिएगा, मेरा घर अच्छा से रहे। गुरु भाई बहन, माता पार्वती और भोलेनाथ पिता को हर हमेशा यही बात कहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बेचारी जब भी भगवान से दया मांगती तो भगवान के सामने कहती, हे भगवान, मैं तो गर्भवती हूँ, मुझे पुत्र भी होना चाहिए, पुत्री नहीं भगवान, पुत्र मुझे दीजिएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना हुआ तो उसका बच्चा जन्म लिया तो कन्या थी। वो सोचती है, चलो कन्या तो है, पहला बच्चा कन्या है, अबरी में पुत्र होगा। दूसरा में भी ऐसा ही सोचते रह गई। गुरु भाई बहना, तीसरा बच्चा हो गया, तीसरा में कन्या हो गया। अब वो सोचती है, उसके पति कहते हैं, पूरा मारपीट करने लगे, उसका सास ससुर मारपीट करने लगे और कहने लगे कि तू सिर्फ कन्या का ही जन्म देती हो, तू कभी पुत्र का जन्म देती ही नहीं। गुरु भाई बहना, वो कहती, इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो भगवान से भी मांगा, हे भगवान मुझे पुत्र दे। मैं तो दया भी मांगती हूँ और भगवान से कहती हूँ, हे भगवान मुझे पुत्र दे, मुझे कन्या नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने भी ऐसा बात नहीं सुनते, भगवान ने भी कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें कन्या ही लिखा है, कन्या ही मुझे गोद में डाल देते। आप भगवान को मैं चर्चा भजन नहीं करेंगे, हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हम भगवान के कहानी नहीं सुनेंगे, भगवान के जाप नहीं करेंगे, भगवान के सामने हम आंचल नहीं फैलाएंगे, भगवान के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे, भगवान कुछ नहीं, भगवान एक पत्थर हैं। ऐसा कहके भगवान को त्याग दी। लेकिन गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन बाद उनके बगल में चर्चा हो रहा था, जब वहाँ लोग धूम मचाने लगे, बजाने लगे, चर्चा करने लगे। जब चर्चा करने लगे तो वहाँ देखते हैं कि भगवान की कथा कहानी हो रहा है। इनका मन जो था भावुक हो गया, भगवान के प्यार में, भगवान के भावना में मन उनका भावुक हो गया, और ये अपने आप को बेचारी शिष्या बहना रोक नहीं पाई, चर्चा में चली गई। अपने छोटे छोटे तीनों बच्चे को लेकर चली गई। जब चर्चा में चली गई, सारा लोग कहने लगे, गुरु बहना आप बहुत दिन पर चर्चा में आए हैं, क्या बात है। कहने लगे, बहन जी मैं क्या कहूँ, काम से मुझे समय नहीं मिलता, इसीलिए चर्चा में आने जाने का छोड़ दिए हैं, क्या कहूँ, अपनी दुख भरी बातों किसी से नहीं सुनाए। भगवान से दया मांगती थी लेकिन ये नहीं कहती थी कि भगवान मुझे पुत्र दीजिए। एक दिन का बात है कि उनका जो बच्चे था 3-4 साल के हो गया बच्ची। माता पार्वती कहते हैं, महादेव जी वो आपकी प्रिय भक्त हैं,
कुछ दिन के लिए आपका नाम लेना छोड़ दी थी, लेकिन फिर से जाने लगी है। क्या उसका अंश में पुत्र नहीं? महादेव कहते हैं, नहीं देवी, उसका पुत्र भी तो अंश में है। तीन कन्या हो चुका है, अबरी पुत्र ही होगा, अबरी पुत्र ही देंगे। तो बोले, देर को किस बात का महादेव जी? जो अपने भक्तों के आप रुलाते हैं इतना, उसे पुत्र दीजिए। गुरु भाई बहना वो औरत गर्भवती रह गई। 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। बेचारी बड़ी खुश हुई, बहुत मिठाई बांटी, छठियारे में पूरा अपना ग्राम ने पंचायत में सबको भोजन कराई, अपने परिवार को खुशी खुशी अपना घर बुलाई। लेकिन गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लड़का 5-6 साल का हो गया। बेचारी शिष्या बहना विद्यालय में नाम लिखवा दी, अब विद्यालय में नाम लिखवा के और पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते बेचारी क्या करती थी, बच्चे के आश्रय में दिन भर दरवान के साथ गेट पर बैठी रहती थी कि मेरा बच्चा निकलेगा तब जाएंगे। दरवान बोलता, बहन जी आपका बच्चा छुट्टी होगा तो चला जाएगा। बच्चा को दूर नहीं करती थी, क्योंकि मेरा लड़का है, 3 बच्ची के बाद ये लड़का हुआ है, इसे कैसे छोड़ देंगे? इसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा लड़का है। बेचारी अपना सिर ऊपर अपना लड़का को बैठा के रखी, कंधे पर लेके भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, कंधे पर लेकर रोटी बनाती थी, कंधे पर लेकर कोई काम करती थी। जब वो बड़ा हो गया तो अपना आगे बैठा के कोई काम करती थी। बेचारी पढ़ाई लिखाई, उसका बेटा जो था बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे, बहन जी आपका जो बेटा है शादी का योग हो गया, उसका शादी कर दीजिए। बेचारी कहती है, नहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, यदि शादी कर देंगे तो हमको बहू आ जाएगी और मेरा बेटा बहू के साथ सोएगी, बहू के साथ रहेगी, बहू के बात मानेगी, हमारा बात नहीं मानेगी, मानेगा, बहू जो कहेगी वही सुनेगा मेरा बेटा, हम नहीं ऐसा होने देंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, कितना दिन, जितना दिन समय नहीं हुआ था, शादी नहीं की। जब सारा लोग कहने लगे तो बेचारी शादी कर दी। जब शादी कर दी तो घर में बहू आ गई। बेचारी बहू को भी बेटा जैसा प्यार दी, तीनों बेटी का विवाह कर दी, तीनों बेटी अपना ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो गुरु भाई बहना, जो बहू थी अपने सास को दुख देने लगी, दुख देने लगी। और बेटा जो था वो जॉब में था, जब जॉब करके आता था शाम में ड्यूटी से, तो माँ को पूछता था, माँ तूने भोजन कर लिया? माँ कहती थी, हाँ बेटा मैंने भोजन कर लिया। भूखी भी रहती थी लेकिन नहीं कहती थी कि हम भूखी हैं। उसे डर था कि मेरा बेटा बहू से कहीं झगड़ा नहीं कर ले, इसी कारण सच नहीं बताती थी। गुरु भाई बहना, ना खान पान सही मिलने के वजह गुड़िया बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ गई तो खांसने लगी। लेकिन उसका जो बेटा था, बेटा दिन भर ड्यूटी में रहता था। गुड़िया जो थी, गुड़िया बेचारी खटिया पर पड़ी हुई रहती थी। जो बहू थी, शाम में नशे का सुई दिए दी करती थी, नशे में गुड़िया सो जाती थी, खांसती नहीं थी। धीरे 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 उसका बहुत बड़ा बीमारी बन गया, पुराना बीमारी हो गया, जो कि उसका खांसने में ब्लड आने लगा। गुरु भाई बहना, गुड़िया का जब तक दम रहा तब तक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला, तुम्हें बहुत बुरा बीमारी हो गया है। बोले कि भैया कोई बात नहीं। बहू को जानकारी हुआ, बहू ने गुरु भाई बहना क्या की, अलग कमरा उसे दे दी। ऐ बूढ़ी माता, आप एक तरफ रहिएगा एक ही घर में, क्योंकि आपका बहुत गंदा बीमारी है, मुझे भी हो जाएगा। अरे आपका तो बुढ़ापा का शरीर है,
मैं तो अभी जवान हूँ, आप जैसा हम नहीं रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, गुड़िया जो थी, गुड़िया बेचारी गुरु को मान रखी थी, शिव गुरु को गुरु बनाई थी। गुड़िया का जो पति थे वो बेचारा जीवित थे, गुड़िया का सेवा संस्कार करते थे, लेकिन बहू बोली, पिताजी आप यदि इस माता जी को सेवा कीजिएगा तो आपका भी भोजन नहीं मिलेगा। गुरु भाई बहना, गुड़िया जब अलग कमरा में रहने लगी, बेटा देखा आपने माता को अलग कमरा में, तो बोलता है, अरे तूने माता को अलग कमरा में कर दिया। बोले, अरे आप नहीं जानते माँ का पुराना बीमारी है, माँ का मुंह से ब्लड आता है, माँ खांसती रहती है, माँ का बीमारी मुझे हो जाएगा, आपका दिमाग नहीं चलता है, मेरा 3-3 बच्चा है, बच्चा को हो जाएगा, क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, बेटा कुछ नहीं कर पाया, अपने पति से बोला, सुनिए मेरे साथ बाजार चलिए कुमार के घर, कुमार के घर से मिट्टी का बर्तन लाएंगे, उसी में इसको भोजन देंगे। बहुत सारा बोरा से भर के 2-3 बोरा ढकनी कपटी ले आई, चुक के प्याली ले आई, प्याली में पानी पिलाती और ढकनी में भोजन कराती, और बोलती कि भोजन करके लात से मार देना। एक ढकनी में 2 टाइम भोजन करवाती थी और बोलती थी फोड़ देना। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का पोता बड़ा हो गया था, बुढ़िया का पोता ने देखा मेरी दादी लात से मार देती है मिट्टी का बर्तन, मेरी माँ कांसे के थाली में खाती है, मेरे पिताजी कांसा के थाली में खाते हैं, हम भी भोजन करते हैं कांसे की कटोरी में, और हमको दादी मिट्टी के बर्तन में, ये तो दादी के लाया हुआ थाली था, लेकिन हमको माँ भोजन करती है, अच्छा कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का आगे से बेचारा ढकनी ले लिया करता, बोरा में सरिया के रख दिया करता। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता, गुरु भाई बहना, बुढ़िया का मृत्यु हो गया। जब बुढ़िया का मृत्यु हो गया तो ये जो माँ थी घर का साफ सफाई करने लगी, तो कहती है कि अरे जानते हैं जी आपका माँ कितनी तेज थी, आपको माँ को हम जब कहते थे कि ढकनी फोड़ दीजिएगा, बीग लाइएगा, तो आपको माँ देखिए बीमारी का घर रख के गई है, ढकनी बोरा में जमा करती थी, देखिए सरिया के रख दी है अपना चौकी के नीचे। पोता सुना तो बोला, ऐसा बात नहीं है माँ, पिताजी ये हम रखे हैं, इसी ढकनी में आपको हम खाना देंगे। यह तो बताइए कि आपके लिए ढकनी खरीदने जाएंगे तो पैसा लग जाएगा, तो पैसा लगेगा तो हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए आपको इसमें भोजन देंगे। माँ बोलती है, ना बही महीना रे बेटा को किया सा चाली आई हो, बतिसोवा दूधा हम पीलावली हो, सात बरी सवारी बेटा गोद में खेला वाली हो, अरसे हु कैसे गए लू भूलाई हो, न बही महीना रे माता दादी मोरा रहले पिता ओद्रा, दादी रखले पिता के ओद्रा, बतिसोवा दूधवा पिताजी पियल रे, सात ही बरिसिया रे माता दादी गोदी खेला वाले हो, अर दादी से कैला पिता के दूर हो, हम जे भैली रे माता जोगरे से आना मा हो, करी ले भैया माहू बीबाह। माता आप की तरह मेरा दादी भी मेरे पिता को 9 महीना ओद्र में रखी थी,
3200 दूध पिलाई थी, 7 वर्ष गोदी खिलाई थी। पढ़ाई लिखाई मेरा दादी का 3-3 बेटी थी, और मेरा पिता अकेला थे। मेरा दादी ने लाड प्यार से अपने बेटे का पोसी पाली, लेकिन तूने एक सूता माँ को मेरा दादी को नहीं दिया। दादी का 3 बेटी मेरे नज़र के सामने ला के दिया करती थी वस्त्र, पैसे खर्चे, दवा के पैसे, लेकिन तूने नहीं। दादी का क्या बेटी जो थी फूआ मेरा, उसका बीमारी नहीं होता था। मेरा बुआ ने दादी का पैर दबाया, दादी को मुँह में खिलाया, लेकिन तूने इसे घिनौना माना। माँ, इसे हम ऐसा ही करेंगे, इसमें तुम्हें भोजन देंगे। गुरु भाई बहना जब ऐसा बोला तो फट फट के माँ रोने लगी और बोली कि हे बेटा, हे पुत्र, हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि मुझे ऐसा करोगे तो हम जीते जी मर जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेटा बोला, नहीं माँ, एक दिन मुझे करना पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। गुरु भाई बहना जो माँ थी हाथ जोड़ के बेटे के सामने बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुझसे मुझे सीख मिल गया, तुम्हारे जो दादाजी हैं उसे सेवा करेंगे और उसे कभी दुख नहीं देंगे। गुरु भाई बहना बेटा को कहने पर अपने ससुर को सेवा करने लगी, समय समय से उनका भोजन देती थी और समय समय से उनका कपड़ा फीत दिया करती थी, स्नान करवाती थी, सेवा करने लगी। गुरु भाई बहना बुढ़िया तो थी बेचारी, भगवान के अनन्य भक्त, बुढ़िया का स्वर्ग वास हो गया, और ये जो बेचारा बूढ़ा थे वृद्ध, उनका भी स्वर्ग वास हो गया। धीरे धीरे बेटा बहू थी बच्चे को कहने पर भगवान भोलेनाथ का भक्ति करने लगी, सत्संग में जाने लगी और लोगों के भावनाओं को समझने लगी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।